नमस्कार दोस्तों, आज हम तुअर की दाल से चार कैसे बनाते हैं देखेंगे। उसके लिए चाहिए 200 ग्राम तुअर की दाल, इस तरह एक घंटा पहले भिगो कर रख दीजिए, और 25 हरी मिर्च, उसको बीच में चाकू से काट के रखिए, और एक बड़ा अनियन इस तरह बड़ा बड़ा काट के रखिए, एक टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून राई, गार्निश के लिए कोरिएंडर, और पाव टी स्पून हल्दी, और टेस्ट के लिए नमक, गार्लिक पीसेस 10, ऑयल 4 या 5 टी स्पून, और लेमन साइज बराबर इमली, उसको भिगो कर रख दीजिए। अगर हमारा ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू वाली इस घंटी को भी प्रेस कीजिए, आने वाले नए नए वीडियोस आपको मिलते रहिए। सबसे पहले आप कुकर को धोकर उसमें भिगो कर रखी हुई दाल को डाल दीजिए, पानी भी ऐसी डाल दीजिए उसी में, और थोड़ा सा पानी डाल कर और हल्दी डाल के कुकर को बंद करें और स्टोव लगा कर स्टोव पे रख दीजिए 5 या 6 बजे लाने तक। और दूसरे स्टोव पे एक बाउल गरम करके रख के उसको गरम होने के बाद ऑयल डालिए 3 टीस्पून, उसके बाद उसमें जीरा और राई डालिए, उसके बाद गार्लिक पीसेस और करेपाक डालिए, और हरी मिर्च अनियन सब डालकर एक 2 मिनट तक चम्मच से हिलाते रहिए। थोड़ा एक 2-3 मिनट के बाद फिर भी उसमें नमक डाल दीजिए, इस तरह वो थोड़ा नरम हो के उसका कच्चापन जाने के बाद। अभी कुकर विजिल हो गया, ये तो दाल पूरी इस तरह से हो गया, उसको नरम कर लेते हैं, और भिगो के रखे हुए इमली को निचड़ के उसका पानी इसी दाल में डाल दीजिए, और इसको इस बाउल में हम जब तैयार करें उसमें डाल दीजिए। और आप इस कितना ज़्यादा पानी होना है उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। इसको थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ दीजिए। ये पूरी तरह से तैयार है।